हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टेक पलाश। मेरा नाम है पलाश वाशने एंड यू आर नाउ वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल टेक पलाश। तो गाइज, आज की जो वीडियो आपके लिए लेके आए वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, काफ़ी कमाल की वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि टॉप 5 चाइनीज़ एप्लीकेशंस के रिप्लेसमेंट जो कि बेस्ट अल्टरनेटिव हैं इन एप्लीकेशंस के। और इससे पहले मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, उसके रिप्लेसमेंट के बारे में, टिकटॉक के बारे में। तो उसकी वीडियो मैं आपको कार्ड में देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, तो आप उस वीडियो को भी जाकर जरूर चेकआउट करें, जिससे कि आपको भी पता चल पाएगा कि टिकटॉक का बेस्ट रिप्लेसमेंट क्या है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। तो इसमें मैं आपको टॉप 5 एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा जो कि आप डेली यूज़ में आप इन 5 टॉप चाइनीज़ एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं और इनके बेस्ट रिप्लेसमेंट क्या हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में आप पूरा एंड तक ज़रूर बने रहें आप हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो हमें एक लाइक ज़रूर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब करके उसके बारे में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बात करते हैं हम पहली एप्लीकेशन की जो है शेयरिटी या जेंडर। शेयरिटी या जेंडर, हमने इन एप्लीकेशन का इतना यूज़ किया कि हम इसका अभी तक कोई भी अल्टरनेटिव नहीं ढूंढ पाए, जबकि इसका बेस्ट अल्टरनेटिव हमारे प्ले स्टोर पर बहुत टाइम से अवेलेबल है और गूगल की तरफ से आता है। इस एप्लीकेशन का नाम है फाइल्स गो। फाइल्स गो एप्लीकेशन आपके दो काम करती है एक बार में, जैसे कि आप एक फाइल एक्सप्लोरर का भी काम कर सकते हैं, मतलब फाइल मैनेजर का भी काम कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप इसमें अपनी कोई भी फाइल्स सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो आपकी जो दो एप्लीकेशन होंगी शेयरइट और जेंडर, उसके अलावा एक एप्लीकेशन को और ये रिप्लेस कर देता है जिसका नाम है ES फाइल एक्सप्लोरर, जो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने यूज़ भी किया होगा और हो सकता है नहीं भी यूज़ किया हो, लेकिन इसका नाम भी काफ़ी सुना होगा। तो ये सिंगल एप्लीकेशन आपकी तीन एप्लीकेशन को रिप्लेस कर देती है और ये एप्लीकेशन 4 से 5 MB की है, तो आप इसको ज़रूर चेकआउट करें और ये गूगल की तरफ से आती है। अब बात करते हैं हम दूसरी एप्लीकेशन की। दूसरी एप्लीकेशन है हमारी UC ब्राउज़र या फिर कोई भी चाइनीज़ ब्राउज़र। हम इसका रिप्लेसमेंट, बेस्ट रिप्लेसमेंट अगर देखें तो हमारे पास दो ऐसे वेब ब्राउज़र्स हैं जिनसे हम यूज़ काफ़ी अच्छे से करते हैं PC के अंदर, तो काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं। पहला है हमारा गूगल क्रोम, जो हमारे फ़ोन में प्री इंस्टॉल्ड आता है और प्ले स्टोर पर भी इजीली मिल जाता है। और दूसरा जो ब्राउज़र आता है वो है हमारा मोज़िला फायरफॉक्स। तो आपने इन दोनों ब्राउज़र्स के बारे में सुना होगा और अपने PC में यूज़ भी किया होगा, तो आप इन दोनों ब्राउज़र से इन चाइनीज़ ब्राउज़र्स को रिप्लेस कर सकते हैं इजीली, और क्योंकि इनका यूज़र इंटरफेस वगैरह भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी यूज़र फ्रेंडली भी हैं फायरफॉक्स और क्रोम। तो गाइस, अब बात करते हैं हम तीसरी एप्लीकेशन की। तीसरी एप्लीकेशन है हमारी कैम स्कैनर। हम इस एप्लीकेशन का काफ़ी यूज़ करते हैं अपने फ़ोन के अंदर। इस एप्लीकेशन का जो मेनली वर्क है वो है आपका कोई भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है उसका आप कैमरे से फ़ोटो क्लिक कीजिए और उसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। तो इस एप्लीकेशन का यूज़ हम लोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं अपने फ़ोन के अंदर, और ये एक चाइनीज़ एप्लीकेशन है कैम स्कैनर। तो हम इस एप्लीकेशन का एक अल्टरनेटिव ढूंढ के लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जो कि एडोबी की तरफ से आता है। एडोबी कंपनी की तरफ से काफ़ी एप्लीकेशन मिलती है, जैसे फोटोशॉप वगैरह मिलता है, कोरल मिलता है, ऐसे ही ये एप्लीकेशन भी एडोबी की तरफ से है और ये फ़ोन के अंदर भी अवेलेबल है ये वाला फीचर, जिसका नाम है एडोबी स्कैन, जिसका यूज़ करके आप कैम स्कैनर को ईजीली रिप्लेस कर पाएंगे एडोबी स्कैन से। तो आप अपने फ़ोन से इस चाइनीज़ एप्लीकेशन को ज़रूर रिमूव करें और एडोबी स्कैन की तरफ। चौथी एप्लीकेशन की बात करते हैं। चौथी एप्लीकेशन आती है WPS ऑफिस। आप लोगों के हर किसी के फ़ोन में एक एप्लीकेशन ज़रूर पड़ी होगी WPS ऑफिस, जिसमें कि हम अपनी कोई भी फाइल्स, एक्सेल की फ़ाइल हो या फिर PDF फाइल हो या फिर वर्ड की फाइल हो या वो प्रेजेंटेशन फाइल, हम सारी टाइप की फाइल्स एक ही एप्लीकेशन में इजीली यूज़ कर पाते हैं, उसको एडिट कर लेते हैं, उसमें हम कोई भी डाटा क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका ये भी एप्लीकेशन एक चाइनीज़ एप्लीकेशन है। इसका जो बेस्ट अल्टरनेटिव एप्लीकेशन है वो है हमारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये हमारे स्मार्टफोन्स के लिए भी अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, आप वहाँ से जाकर इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं और इससे भी वही सेम वर्क कर सकते हैं जो आप WPS ऑफिस से करते हैं। तो मैं बोलता हूँ आप इस एप्लीकेशन को भी अपने फ़ोन से रिमूव करें और MS ऑफिस की तरफ आप मूव करें, क्योंकि आप इसके साथ भी हो सकता है थोड़े से यूज़र फ्रेंडली भी हो, क्योंकि आपने इससे पहले कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज़ भी किया होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि कौन सा आपको ऑफिस अब यूज़ करना है, WPS ऑफिस या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब बात करते हैं हम अपनी लास्ट एप्लीकेशन, जो कि पांचवी एप्लीकेशन है, वो है गेम की, जो हम अपने फ़ोन में गेम खेलते हैं उसके ऊपर। जो हमारी 5th एप्लीकेशन है वो है हमारी क्लैश ऑफ किंग। क्लैश ऑफ किंग हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग खेलते होंगे और या फिर काफ़ी सारे लोगों ने खेला होगा। तो इसका जो बेस्ट अल्टरनेटिव एप्लीकेशन है या गेम है वो है हमारा क्लैश ऑफ क्लैंस।
तो काफ़ी पुराना गेम है और काफ़ी पॉपुलर गेम भी है और जिसको खेलने में आपको मज़ा भी आएगा। तो आप इस चाइनीज़ गेम को रिप्लेस कर सकते हैं इजीली क्लैश ऑफ क्लैंस से, बिल्कुल सिमिलर गेम्स हैं। तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप क्लैश ऑफ क्लैन पर ज़्यादा ध्यान दें, ना कि क्लैश ऑफ किंग पे, क्योंकि क्लैश ऑफ क्लैन में आपको काफ़ी सारे आपके फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो अभी भी क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते होंगे फेसबुक से कनेक्ट करके, तो आप उनसे भी इजीली बात कर सकते हैं, उनके क्लैन को ऐड कर सकते हैं। तो क्लैश ऑफ किंग से आपको क्लैश ऑफ क्लैन में काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं, और ये नॉन चाइनीज़ ऐप भी है क्लैश ऑफ क्लैंस। तो गाइज़ ये तो सारी थी हमारी टॉप 5 एप्लीकेशंस, और टिकटॉक के ऊपर तो मैं प्रीवियसली वीडियो बना ही चुका हूँ। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसमें 1 लाइक ज़रूर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, उसके बराबर लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर नहीं किया तो जल्दी से उनके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनके पास भी ये इन एप्लीकेशंस की लिस्ट उनके पास तक पहुँच सके, जिनको वो इजीली अपने फ़ोन से भी रिप्लेस कर सकें। या और आपका कोई भी सवाल है सुझाव हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर ड्रॉप करें, और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी हमको मैसेज सेंड कर सकते हैं कोई भी आपका सवाल या सुझाव हो तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।